प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, यह उत्तर लेखन कार्यक्रम है। आईएएस मेंस परीक्षा को ध्यान रखकर के इसको इस क्लास को चलाया जा रहा है। इस सीरीज में हमने पहले भी काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं और लगातार यह क्रम आगे तक चलेगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको देखिए, आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चंस है ब्लू इकोनॉमी। क्या शब्द है? ब्लू इकोनॉमी। भाई नाम तो सुना होगा आपने, ब्लू, आज ब्लू है पानी, पानी सुना होगा। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखो यहां पर ब्लू इकोनॉमी शब्द, जैसे मैंने कहा आज ब्लू है पानी, पानी, आप इस बात को समझिएगा, यह पूरी की पूरी व्यवस्था जल पर आधारित है, समुद्री जल पर आधारित है। ब्लू इकोनॉमी समझिए, जो हमारे भारत के, आप देख सकते हैं कि एक तरफ से पहाड़ और भारत की जो भौगोलिक बनावट, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, चारों तरफ विशाल महासागर, चारों तरफ जल ही जल, और उस जल से हम जो बनाएंगे इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड द ब्लू इकोनॉमी। आइए इस बात को समझते हैं बड़े आराम से, बड़े मजे से। बच्चों विश्व बैंक के अनुसार देखते हैं कि जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक क्या कहता है। वर्ल्ड बैंक का पहले डिफिनेशन एक लाइन का देख लेते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, पहला पॉइंट आर्थिक विकास, दूसरा बेहतर आजीविका, और तीसरा नौकरियों के लिए महानगरीय संसाधनों का सतत उपयोग है। इसको रख लीजिएगा, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीज कह रहा है विश्व बैंक, क्या कह रहा है? कह रहा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेहतर आजीविका, लोगों को जीवन जीने के लिए बेहतर आजीविका का संसाधन बनेगा ये, और नौकरियां, नौकरियां पर्याप्त मिलेंगी, और महासागरी संसाधनों का सतत उपयोग है। जो महासागरी संसाधन है इसको लगातार यूज करिए, करते जाइए। आइए इस बात को समझाता हूं। इस अवधारणा को सबसे पहले जिन्होंने किया था पावली, पावली का नाम आपने जो है साइंस में सुना होगा, पावली के लॉ ऑफ अपॉर्जन नियम के अनुसार, वो पावली अलग है। ये पावली है गुंटर पावली, गुंटर कबूतर कहता है ना, गुटर गुटर गुंटर पावली, गुंटर पावली ने अपनी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम आपको मैं बता रहा हूं, बड़ा बढ़िया है, और देखिए पुस्तक का नाम है, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी, और पुस्तक का नाम है दी ब्लू इकोनॉमी। इस पुस्तक का नाम है दी ब्लू इकोनॉमी, और यह पुस्तक में उन्होंने तीन चीजों पर ध्यान दिया था। उन्होंने कहा 10 साल, 10 ईयर्स, 100 इन्वेंशन, 10 साल में 100 आविष्कार और 100 मिलियन जॉब्स। समझ रहे हैं, 100 मिलियन जॉब्स की संभावना है यहां पर, इस बुक में इन्होंने लिखा था। और इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, 10 इयर्स, 100 इन्वेंशन और 100 मिलियन जॉब्स, ये बड़ा इसका फेमस डायलॉग रहा था। और इस बुक को आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो फिलहाल देखिएगा। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था गुंटर पावली महोदय का, उन्होंने व्यक्त किया। इसमें उन्होंने समुद्री संसाधन, आ गए हम लोग वहीं पर, हमने आपको शुरू में बताया था भारत की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखना, समुद्री संसाधनों को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बताया। उन्होंने कहा पानी देख के डरो मत, ये तो बहुत बड़ा संसाधन है, अरे इससे तो बड़ा कोई संसाधन नहीं, ये तो बहुत बड़ा संसाधन है, समुद्र है तो बहुत बढ़िया है। समझिए भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी, इसकी देखिए, इधर बे ऑफ बंगाल पूरा पानी ही पानी, इधर अरब सागर अरेबियन सी पानी ही पानी, तो फायदा है कि नहीं है, आइए देखते हैं कैसे। भारत एक लंबी, देखिए वही बात आ गई, भारत एक लंबी तटरेखा वाला देश है, और इसकी तटरेखा से लगा समुद्र क्षेत्र विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं के कारण आर्थिक दृष्टि से काफी अहम है। भारत में ब्लू इकोनॉमी की संभावना पर प्रकाश डालने के लिए निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती हैं, जो इस प्रकार है, जरा इसको आप देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध समुद्री, क्या क्या है, समुद्री मत्स्य। सबसे पहले मत्स्य का मतलब बताएंगे, मत्स्य का मतलब होता है मछली। यहां पर आप देखिए मछली की बात की जा रही, कहां
कहाँ देखिए, देखिए ये मत्स्य संसाधन, मत्स्य संसाधन, मत्स्य विभाग, समझ रहे हैं कि नहीं, मछली पालन, इस बात को समझिएगा। अभी हम आपसे एक लेक्चर में बात कर रहे होंगे कि जो है गुलाबी क्रांति के बारे में, मीट के बारे में बात किए थे, मीट की उपयोगिता के बारे में बात किए थे, और अगर मत्स्य पालन होगा तो वहां भी कहीं ना कहीं में फायदा मिलेगा। तो मत्स्य संसाधन मत्स्य का व्यापार के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध करता है, पहले इस बात को समझिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, समुद्री क्षेत्रों को क्या क्या करना चाहिए हमें, रेल से, समुद्र से, जल से, वायु से, समझिए। जल समुद्री मार्ग है, जल मार्गों से जोड़ दीजिए, नदियों के द्वारा उसको जोड़ दीजिए, वहां आप एकदम सारे विश्व को समुद्र मार्ग से एकदम बना के जोड़ दीजिए। और यहां पर देखिए सड़क से, सड़क सड़क बिछा दीजिए वहां तक, समुद्र के समुद्र तट तक एकदम सड़क बिछा के रखिए। और जल से, और देखिए वायु मार्ग से, एरोप्लेन मार्ग से, हर तरह से आप इसको पहले जोड़ दीजिए। अरे हमारे यहां तो बहुत पुरानी परंपरा है, हमने तो भगवान श्री राम ने क्या किया था, भारत से लेकर श्रीलंका तक पुल बनवा दिया था, आप देख सकते हैं राम सेतु पुल ना, तो सब वही पहले हम क्या करेंगे, पहले कनेक्टिविटी करेंगे, और इस समुद्री क्षेत्रों को रेल से, सड़क से, जल से, वायु से जोड़ दीजिए। और जोड़ के क्या करिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लाभ की बात करेंगे हम, इसको खनन, रिफाइनरी, जलयान उद्योग आदि की अपार संभावना है, बहुत बड़ा, समझिए कि यहां पर सब छुपा हुआ है मैटर। और देखिए बड़ी मात्रा में क्या चाहिए, आप याद करिए पाउली जी का सेंटेंस, 100 मिलियन जॉब्स, बड़ी मात्रा में रोजगार मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। और देखिए समुद्र के द्वारा, और देखिए क्या क्या चीजें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वार भाटा, बायोगैस, जैव ईंधन, देख रहे हैं, एक चीज को हो तो बताई जाए, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पूरा बनाइए, पवन ऊर्जा बनाइए, ठीक है, जल विद्युत बनाइए, ज्वार भाटा, बायोगैस, जैव ईंधन, इन सब चीज को उत्पादन करने की असीम संभावना है, संभावना नहीं है, असीम संभावना है। और देखिए इस आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके अधिशेष ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तब भारत की अर्थव्यवस्था में सहयोग किया जा सकता है, और उपयुक्त संभावनाओं के आलोक में विविध क्रियाविधियों द्वारा समुद्री क्षेत्र के व्यापक दोहन किया जा सकता है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां तक बात समझ में आपको आ रहा होगा। और देखिए क्या क्या बातें भाई, खूब दोहन करिए। और देखिए समुद्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक, अंतरराष्ट्रीय सी मानक के अनुरूप भारतीय एवं वैश्विक जरूरतों को देखते हुए पत्तनों का विकास, समझिएगा पत्तनों का विकास करवाइए वहां पर। और क्या करें भाई, पत्तनों का विकास करेंगे और देखते हैं, रुकिए एक बार पेन ले लिया जाए, पत्तनों का विकास यहां पर आप करें। और देखिए समुद्री क्षेत्रों में शेष भूमि संबद्धता बढ़ाया जाना चाहिए, इससे समुद्री संसाधनों का व्यापार बढ़ेगा, यही बात है तो हो ही चुकी है। और देखिए अतीत उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर समुद्री परिवहन को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान बंदरगाहों का, वर्तमान बंदरगाहों का क्या करना चाहिए हमें, देखिए एक मिनट, वर्तमान बंदरगाहों का वापस लेके आते हैं, हाँ वर्तमान बंदरगाहों का यहां फिर से देखिए, अतीत उपलब्धियां, जो हमारी पुरानी उपलब्धियां हैं उसको देखा जाए, अतीत उपलब्धियों से प्रेरित होइए। अभी जैसे मैंने कहा राम सेतु से प्रेरित होइए, बनवा दीजिए समुद्र के ऊपर पुल, लेकिन यहां पर बात क्या कहा जा रहा है, समुद्री परिवहन को क्या किया जाए, बेहतर किया जाए, क्योंकि पहले समय में, शुरुआती समय में समुद्री बेड़ों से ही, जो यातायात का एक बहुत बड़ा मार्ग था वह समुद्री मार्ग ही था। आपको याद होगा कोलंबस की यात्रा, ठीक है, मार्को पोलो की यात्रा, आपको याद होगा ये सारी चीजें, लेकिन मैं यही कह रहा हूं इनसे प्रेरणा लीजिए और समुद्री परिवहन को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान बंदरगाहों, क्योंकि जो भी आए, चाहे अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाली आए, सब लोग किस मार्ग से आए थे, समुद्री मार्ग से आए थे। और वर्तमान बंदरगाहों का आधुनिकरण करिए, उसको मॉडर्नाइजेशन करिए, और क्या करिए, नए बंदरगाहों का निर्माण करिए, समस्त बंदरगाहों से अंतर समृद्ध कर विभिन्न नदियों से जोड़कर व्यापारिक गतिविधियों को तीव्र कर राजस्व की प्राप्ति भी की जा सकती है। इसको नदियों से एकदम बढ़िया तरीके से जोड़िए, समझ रहा है कि नहीं, जैसे नदियों में क्या है, कहीं देखिएगा जो नदियों का बहाव है, कहीं पर नदियां क्या है जो है वो हो गई है,
मतलब कहीं पर गहराई ज्यादा है, कहीं पर गहराई कम है, उन सब वहां बनाइए, मार्ग बनाइए बहुत अच्छे से नदियों पे, और उसके बाद इस कनेक्टिविटी को जोड़ करके फिर देखिए कितना सस्ता पड़ता है रोड से, एयर मार्ग से बहुत सस्ता परिवहन मार्ग पड़ता है, जल मार्ग, तो उसका पूरा लाभ उठाइए, फिर देखिए क्या होता है। ये हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो हम लोग जल से पूरा तरह से चारों तरफ से नदियों से समुद्रों से घिरे पड़े हैं, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और देखिए मैं क्या बता रहा हूं, यही सब बातें यहां पर दी गई हैं। नए नए समुद्री स्थलों, झरना, झील, ताल, द्वीप को विकसित कर ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का पुनर्धान कर थीम आधारित ब्रांड आधारित प्रचार प्रसार कर समुद्री क्षमता का व्यापक दोहन किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय अवस्था में ब्लू इकोनॉमिक की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए भारत को विशाल समुद्री क्षेत्र में व्याप्त असीम संभावनाओं की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर समुद्र क्षेत्र में व्यापक दोहन किया जा सकता है। पूरी बात मैंने एक एक लाइन एक एक शब्द को ठीक से पढ़ा है और आपको बीच बीच में समझाते हुए चला हूं। आप एक बात समझिए, ब्लू इकोनॉमिक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। हम अगर इस संसाधनों का अगर दोहन करें तो हमें बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, हर तरह से हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब आप टू द पॉइंट चीजों को लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, पूरा आप बकायदा इसका मैप बना दीजिए, दिखाइए कि यहां पर ये नदी, यहां पर ज्योग्राफी इसमें लेके आइए, समझ मार्ग में। तो आप जब इन चीजों को लिंक करके करेंगे फिर आप देखिए किस तरह से आपको नंबर मिलता है। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह हमारा पहला प्रश्न था ब्लू इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा इसमें जो है एक एक चीज को एक एक शब्द को याद रखिए, ठीक है। और अब हम लोग अगली बात करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमें देखना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो है पढ़ करके दिल गदगद हो जाएगा, ऐसा यह प्रश्न है, ऐसा यह प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें पढ़ना चाहिए और इसको हमें समझना चाहिए। हरित क्रांति कौन नहीं जानता, हरित क्रांति, ठीक है। फसलों की उत्पादकता ने जबरदस्त वृद्धि, नहीं खूब अन्य उपजाओ, आप समझ सकते हैं अन्य उपजाने की बात की गई है, हरित क्रांति की बात की गई। हरित क्रांति सफल रहा, और अगर सफल रहा तो कितना सफल रहा, क्या हरित क्रांति जो अपना उद्देश्य लेकर आया था या जो उद्देश्य होना चाहिए था क्या उसकी पूर्ति हुई, और अगर नहीं पूर्ति हुई तो उसको कैसे पूरा करेंगे, क्या द्वितीय हरित क्रांति उसका मार्ग है। आइए समझते हैं कि क्या कमियां रह गई थी और उसको किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। आप याद रखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, खेती बाड़ी मुख्य इसका व्यवसाय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति की प्रश्न पर देता हूं, द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा पर प्रकाश डालिए और यह बताइए कि द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान क्यों किया गया। मैं आपको बताऊं इसके आह्वान करने वाले कोई और व्यक्ति नहीं थे, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट मिसाल मैन कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आह्वान किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि आह्वान कौन कर रहा है, यानी कुछ मामला बड़ा ही है, कुछ समस्या बड़ी है। आइए समझते हैं द्वितीय हरित क्रांति के बारे में। भारत में एक एक बात को मैं पढ़ता हूं, आप समझते जाइएगा। भारत में कृषि उपज में तीव्र वृद्धि करने हेतु ऊंची उपज वाले बीज, एक बात समझिए, अगर आपको क्वालिटी बढ़िया चाहिए, उत्पादन ज्यादा चाहिए, तो बीज की क्वालिटी बेहतर रखनी पड़ेगी, बेहतर बीज की क्वालिटी चाहिए, समझिए। रासायनिक उर्वरक, ठीक, कीटनाशक, देखिए चाहिए तो, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पर जोर दिया जाएगा जैविक खाद के बारे में जोर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप जरा समझिएगा, आपको अच्छे तरह का रासायनिक उर्वरक भी होना चाहिए, कीटनाशक भी होना चाहिए, फसल पे कीट पतंगे लगेंगे उनको छोड़ना नहीं है, फसल को बचाना है। कृषि यंत्रीकरण, बेहतर कृषि उपकरण होने चाहिए, बेहतर सिंचाई प्रणाली चाहिए आदि का उपयोग होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी का आपको बेहतर प्रयोग करना पड़ेगा अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हैं तो। इससे खाद्यान्न उत्पादकता में बड़ी मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह बता रहा है पहली हरित क्रांति के बारे में, परंतु बस यही समझिएगा, अब देखिए ये भूमिका है, परंतु इसका सीमित लाभ सीमित क्षेत्रों में
परंतु इसका लाभ कहां पर? सीमित क्षेत्रों में, सीमित फसलों में, सीमित किसानों तक ही पहुंच पाया। बड़े जमींदार, बड़े किसान लोग इसका लाभ उठाए, छोटे किसानों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई। कुछ राज्यों तक इसकी पहुंच रही, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका ज्यादा प्रभाव रहा, पंजाब में इसका प्रभाव रहा। हमें देखना पड़ेगा कि कहां कहां प्रभाव रहा और बाकी जगहों पर इसका प्रभाव क्यों नहीं रहा। तो वही बात यहां पे कहा जा रहा है, क्या सीमित फसलों, सीमित किसानों तक इसकी पहुंच रही। इसलिए संतुलित इस लाइन को ध्यान रखिएगा, संतुलित कृषि विकास की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? श्री APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम द्वारा द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया गया। द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा को व्यापक बनाया गया है। समझिएगा कैसे व्यापक बना। जैसे यहां पर क्या थी? सीमित फसलें थी, गेहूं है, चावल है, बाजरा है। रुक गई बात यहीं पर, अरे रुकिए ना अभी और कैसे। बहु फसल हमें चाहिए, पशुपालन भी करिए खूब। पशुपालन पर क्यों जोर दिया? अभी देखिएगा। पशुपालन, खाद चाहिए ना, जैविक खाद तैयार करेंगे। मत्स्य पालन करिए, मछली का पालन करिए, इत्यादि को भी शामिल किया गया है इसमें। यह बात देखिए, मैं पहले बताया था, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक का प्रयोग करना है, बहुत फायदा है। घर की खाद तैयार करो, खाद का पैसा देना नहीं पड़ेगा, समझिए। और बिजी रहोगे भाई, समझिएगा, कृषि बेरोजगारी बहुत बड़ी है, उनको हम बताएंगे कि आप खुद। और इससे क्या होगा? अच्छी क्वालिटी के चावल आएंगे, पौष्टिक चावल आएंगे, जीवन की गुणवत्ता सुधर जाएगी। समझिएगा, हम जो खा रहे हैं वह कैसा खाना है, अरे उसमें यूरिया, डाई, पोटास मिला हुआ है, उससे उसको सिंचित किया गया है। और हम जब जैविक बनाएंगे, ये ताकत आएगी, एकदम दारा पहलवान जैसी ताकत आ जाएगी। आइए देखते हैं, जैविक उर्वरक का प्रयोग करने से कृषि भूमि, जल और पर्यावरण केवल इतना ही फायदा नहीं है। किसी भूमि खूब उपजाऊ हो जाएगी और भूमि की गुणवत्ता सुधार में आ जाएगी, पर्यावरण बेहतर होगा। आप जब कीटनाशक का कम प्रयोग करेंगे, जैविक चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे, एटमॉस्फियर देखिए बढ़िया हो जाएगा। संतुलित फसल प्रारूप क्रॉपिंग कृषि को बनाए रखने के लिए जोर दिया गया है। समझिए, पहले इस अवधारणा को समझिए कि द्वितीय हरित क्रांति क्या है। मॉडिफिकेशन ऑफ द पहला जो हरित क्रांति है उसका मॉडिफाई कर दिया गया है। और आइए देखते हैं इसमें कौन सी बात और है। पहले इसके डायग्राम को हम लोग एक बार बता देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा चीजों को आगे करेंगे। द्वितीय हरित क्रांति एक बार फिर से देखें, इसमें कुल अगर हम इसको समझे तो तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला भाई, इसका अर्थ क्या है द्वितीय हरित क्रांति का? दूसरा, इसकी कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं? और तीसरा, क्या हम इस किस निष्कर्ष, किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं? अर्थ, कृषि उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि, एकदम अमूलचूक वृद्धि है कि नहीं, खूब फसल पैदा हो। अरे जिस खेत में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि जिस खेत में एक टन गेहूं पैदा हो रहा है, उस खेत में 20 टन गेहूं पैदा करने की बात करें, अमूल क्रांतिकारी परिवर्तन करिए, 20 गुना उपजाऊ की बात करें, समझ रहे हैं कि नहीं, किसानों को माला माल कर दें, इस तरह की बात करें, खूब अच्छा पैदावार हो, ज्यादा ज्यादा, एकदम धान का पौधा नीचे से ऊपर तक लहलाता हुआ आए, गेहूं का फायदा, बाली इतनी बड़ी लंबी बाली हो, है कि नहीं, इस तरह की कॉन्सेप्ट पर हम काम करें, हरित क्रांति लाए। और देखिए, दाने बड़े बड़े मोटे मोटे हों। आइए देखते हैं, कृषि उत्पादकता में कैसी वृद्धि चाहिए हमें? कृषि उत्पादकता में हमें चाहिए क्रांतिकारी वृद्धि। कैसी वृद्धि चाहिए हमें? कृषि उत्पादकता में हमें चाहिए क्रांतिकारी वृद्धि। इस बात को भूलिएगा मत। कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है। क्यों हम द्वितीय हरित क्रांति की आह्वान हमने क्यों किया? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला जो क्रांति था वह खाद्यान्न, जो सीमित खाद्यान्न पर इसका प्रभाव था, इसका प्रभाव सब जगह नहीं था, लिमिटेड था। जैसे मैंने बताया था, अभी आप आगे बताऊंगा, अभी कुछ ही फसलों पर हम इस चीज को कर रहे थे। दूसरा, पूंजीवादी कृषि से छुटकारा पाना, इस बात को समझिएगा। पूंजीवादी कृषि से पैसा होगा तभी हम खेती कर पाएंगे, इससे हम छुटकारा दिलाएंगे, खाद नहीं खरीदने जाएंगे भाई, समझिएगा इस चीज को, खाद खुद की बनाएंगे। आओ और देखिए, आय की असमानता समाप्त करना, ठीक है। आय देखिए हुआ क्या, जो बड़े किसान थे
उनको लाभ मिला, छोटे किसानों को लाभ नहीं मिला, जबकि जरूरत ज्यादा छोटे लोगों को थी। उनको समझिएगा, कोई आदमी भूख से मर रहा है और कोई आदमी बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, समझिएगा जरूरत किसकी है, जो भूख से मर रहा है वहां तक गवर्नमेंट को पैसा पहुंचाना पड़ेगा, जी तकना पड़ेगा उसको। ठीक है, विकास का सही अर्थ तो यह होना चाहिए। आइए देखते हैं, आवश्यक सुविधाओं को समाप्त करना, समझ पा रहे होंगे जो बातें बता रहा हूं, क्षेत्रीय संतुलन बनाना, यह बात भी इसी में कवर हो गई, बढ़ती जनसंख्या एवं नगरीकरण, इस बात को समझना पड़ेगा, लोग क्यों गांव छोड़कर के शहर की तरफ आए हैं। आप देखिए कोरोना काल में कोरोना ने समझा दिया, लौट जाओ गांव की ओर, तो खोजो वहीं पर, खोजो वहीं पर विकास की बातें। कौन बताएगा विकास कैसे होगा? हम, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स इस बात को समझाएगी कि कैसे हम उत्पादन ज्यादा कर दे गांव में ही, कि वहां से किसी को आना ना पड़े। गवर्नमेंट को इस योजनाओं को, इन योजनाओं को ग्राउंड स्तर तक समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक एक चीज को समझाना पड़ेगा, ताकि जो है ये समस्या ना आए। देखिए कितना बड़ा पलायन हुआ इस बार, तो आप लोगों ने बिल्कुल आंखें सबकी फट के रह गई होगी कि कितने लोग कहां पर हैं और उनको लाने के लिए सरकार तक खिल गई, समझिए इस चीज को। कोरोना ने बहुत कुछ समझाया है, उस चीज को भी आप देख सकते हैं। खैर, मैं वापस आता हूं और अपनी बातों को और आगे बढ़ाने का मैं छोटा सा प्रयास करता हूं। यहां तक आपने देखा, अब मैं आपको बता रहा हूं, जरा इस चीज को समझिएगा डिटेल में, और आप निष्कर्ष इसका देख ही चुके थे। निष्कर्ष यही निकलता है कि कृषि की धड़ीता एवं किसानों का उत्थान, हम एक चीज चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल का व्यक्ति पहले मजबूत हो जाए, फिर देखते हैं विकास क्यों नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आप जरा इसमें देखिए कि भाई इसकी वास्तव में क्या द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है, और आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, बिल्कुल आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, देखिए जरूरत क्यों है, क्योंकि कुछ विशेष फसल, जैसे यहां पर मैंने पहले बताया था, गेहूं ज्वार बाजरा तक ही सीमित आपने कर दिया पहली हरित क्रांति को, और देखिए अन्य अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, तथा व्यापारिक फसलें भी लगभग अप्रभावित रही, जिनके कारण द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस हुई। इस बात को समझिए जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वह चीज जैसा जिस योग्य है हरित क्रांति वह हो नहीं पाई थी, इसलिए हम इसको द्वितीय हरित क्रांति में पूरा करेंगे। प्रथम हरित क्रांति में उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्रों पर भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता था। अब देख रहे हैं जो छोटे तथा मध्यम श्रेणी के जो किसान हैं उनकी क्षमता के बाहर है भैया, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है, छोटे किसान हैं। आप देख रहे होंगे खेत का आकार छोटा होता जा रहा है, पहले एक व्यक्ति थे, उनके दो बेटे हुए, दो के फिर दो हुए, अब मान लीजिए हम यहीं पर देखें तीन पीढ़ी में क्या हो गया, एक चौथाई हो गया, अब फिर उनके दो दो हो जाए तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी तेजी से जो है फिर वो आठ हिस्सों में बढ़ जाएगा। समझे, जो जो खेत एक लोगों के पास पे था उसका आठ हिस्सा हो गया, 1/8 हो गया, जोत का आकार छोटा हो रहा है, छोटे किसानों की संख्या बढ़ रही है। जो जमींदार है, जो बड़ा किसान है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, छोटे किसानों की संख्या बहुत है हमारे पूरे देश में, हम उनकी बात कर रहे हैं। मध्यम श्रेणी के किसान बहुत है, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके विपरीत हरित क्रांति से केवल उन्हीं, आइए देखिएगा, उन्हीं किसानों को लाभ हो रहा है जिनके पास निजी ट्रैक्टर हो, नलकूप हो, पंपिंग सेट हो, अन्य कृषि यंत्र हो। ध्यान रखिएगा, तो अब इस बात को समझिएगा, हरित क्रांति का लाभ तो उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास संसाधन है, जो पहले से मजबूत है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, जो संसाधन विहीन है। इस बात किसान तो है लेकिन संसाधन, आप देखिए किसानों की दुर्दशा, तजर्बे का केस ले लीजिए, आए दिन किसान हत्या करता रहता है, आए दिन किसान कर्ज से जो देश का, जो धरती का सीना चीर के रात दिन मेहनत करके खून पसीना बहा करके अन्न उपजाऊ करता है, वह आत्महत्या करने के बारे में सोचता है या आत्महत्या करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और उनके बच्चे, उनका तो भविष्य और चौपट है, आगे जमीन भी नहीं है और जीवन उसी में बर्बाद है, ना वहां गांव तक पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था पहुंच पाई अब तक, और ना खेती के लिए उनके पास सब खेत बचने वाले हैं, समझिए, और उनके बच्चे तो हो गया ना सारा मामला रफातल। इस बात को ध्यान रखिए, हमें उस इकाई को क्या करना है, मजबूत करना है। कहां से करोगे, द्वितीय हरित क्रांति से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए किसानों को लाभ हो रहा है जिनके पास ये सब है, चलिए ठीक है, देख लिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि कृषि में जो तकनीकी परिवर्तन है, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी परिवर्तन, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों की आय वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा, समझिएगा, मैंने कहा ना विपरीत प्रभाव पड़ गया, जो बड़े किसान थे, बड़े जमींदार थे, वो लाभ उठा गए, जो छोटे किसान थे वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए, तो और गरीब हो गए। अच्छा कैसे लाभ हुआ, मान लीजिए बड़े जो किसान हैं उन्होंने खूब अन्न पैदा कर दिया, तो ज्यादा पैदा हो गया भाई, रेट थोड़ा कम करके बेच लेंगे,
उपज तो ज्यादा हो गई, चार गुनी उपज हो गई, तो छोटा किसान का तो एक ही गुना उपज हुआ है, तो वो क्या करेगा, और उसका रेट भी कम हो गया, मार्केट में ज्यादा उत्पादन हुआ तो उसका वहां पर रेट कम हो गया, तो उसको और भी समस्या हो गई। तो विपरीत प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, आइए देखते हैं। विपरीत प्रभाव पड़ा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर बी के आर बी, ये देखिए हमारे बड़े ही फेमस अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर वी के आर बी, इन्होंने ये बात कही, ध्यान सुनिएगा इनकी बात को, यह बात अब सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, तथा कथित है कि हरित क्रांति जिसने देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी है, क्या कर रहे हैं, हरित क्रांति ने खाद्यान्न बढ़ाने में तो सहायता की है, लेकिन ग्रामीण आय में असमानता बढ़ा दी है। जो हमारा लक्ष्य था कि हम खाद्यान्न बढ़ाएंगे, हरित क्रांति लाएंगे, हरित क्रांति लेके आए, खाद्यान्न बढ़ गया, लेकिन अरे भैया गांव में क्या हुआ, असमानता हो गई, अमीर आदमी और अमीर, गरीब आदमी और गरीब, बड़ा किसान खुशहाल और छोटा किसान बेचारा और परेशान, इनकी संख्या बड़ी है। अब देखिए मजे की बात है, अतः आय के समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया गया। कृषि के लिए आवश्यक सिंचाई की व्यवस्था, कृषि साख, आर्थिक जोत, सस्ते आगतों आदि के अभाव में कृषि विकास के क्षेत्र में वंची सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त हो रहा है। इसी असंतोष को कम करने के उद्देश्य से द्वितीय हरित क्रांति महसूस किया गया। और देखिए हरित क्रांति का प्रभाव कहां कहां पड़ा, जरा देखते हैं भाई, हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों तक ही सीमित था। इससे देश के विस्तारित करने का तथा प्रत्येक राज्य में को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर जोर दिया गया। हर एक राज्य आपस में, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई नया कंसेप्ट हो नहीं है, आत्मनिर्भर किसान की बात करो पहले, समझिएगा इस चीज को। ये देखिए यहां पर आत्मनिर्भर राज्य की बात करो, हर जगह आत्मनिर्भरता हो जाए। आइए उसी पर आगे बढ़ते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते हुए नगरीकरण को दृष्टिगत बढ़ती खाद्यान्न आवश्यकता के लिए भी कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की गई है। कृषि क्षेत्र में आई अस्थायित्व को दूर करने, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भी द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता आई। हमने बताया था किस तरह से हम पर्यावरण को संतुलित करने की बात करेंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे और बढ़ते बच्चों, और इसमें हम देखते हैं, हाँ अगली बात हम देखेंगे, यहां तक आपको मैंने बता दिया, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। कृषि के लिए आवश्यक सिंचाई, कृषि साख, ये सब हमने आपको बता दिया था, और ये हमने बता दिया देश में आर्थिक, हाँ एक मिनट रुके, बस ये लाइन है, हाँ देश में बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन को सही प्लानिंग के तहत, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा लंबा मुद्दा है, इस पर ज्यादा बोल नहीं सकता हूं क्योंकि फिर टॉपिक से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक की रणनीति पे भी काम करनी पड़ेगी, इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बड़ा आर्थिक दबाव भारत के ऊपर है, बिग पॉपुलेशन है, और सही तरीके से इनको हमें वर्क में फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का दबाव है, वही बात हो रही है। देश की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते हुए नगरीकरण, गांव छोड़ के शहर की तरफ भागना है, बढ़ती खाद्यान्न आवश्यकता, भोजन की जरूरत है सबको, बहुत ज्यादा लोग कोरोना से कितने मर रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप पर आपको मिल जाएगा, जरा गूगल पर सर्च मार के देखो कि भूखमरी से हर साल कितने लोग मरते हैं, जरा ये भी गूगल पर सर्च मार के देखो कि हर साल कितने लोग जो है कृषि वाले आत्महत्या भी करते हैं, और बहुत लोगों का जिक्र ही नहीं है, 100-500 मरते हैं तो कोई एक का जिक्र होता है, समझिएगा इस चीज को, कोई चर्चित मुद्दा आ जाता है तो जिक्र होता है, बहुत लोग अलग अलग तरीके के मानसिक पीड़ाओं से मर जाते हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या, अच्छा ये हो गया, आवश्यकताओं के लिए भी कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की गई है। कृषि क्षेत्र में आई अस्थायित्व को दूर करने, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के लिए भी द्वितीय हरित क्रांति की अति आवश्यकता है। अतः स्पष्ट है कि सरकार का ध्येय सभी फसलों, सभी क्षेत्रों, सभी सुविधाओं को समस्त किसानों तक, इस बात को ध्यान रखना, समस्त किसानों तक पहुंचाने का है। द्वितीय हरित क्रांति न केवल किसान बल्कि सरकार की भी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने की
पूरी संभावना की गई। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेंगे तो प्रति जो अब नेशनल इनकम अपने आप बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम हाई होगा, प्रति व्यक्ति आय अपने आप बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपकी समझ विकसित होगी होगी, अच्छे प्रकार से आप नोट्स बनाए, अच्छे तरह से पॉइंटों को लिखें। आइए बच्चों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, और यह क्वेश्चन भी इन क्वेश्चनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एक जैसा ही क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप डिजिटल इंडिया के पार्ट बन चुके हैं। मैं यहां पर मुखर्जी नगर स्टूडियो में खड़ा होकर के यहां से अपनी आवाज आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ना आप मुझसे मिले हैं ना मैं आपसे मिला हूं, या कभी हम मिले होंगे या कभी हम मिलेंगे, लेकिन आज मैं अपनी आवाज अगर आप तक पहुंचा पा रहा हूं, देन किसकी है? डिजिटल इंडिया की है। आप देख सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, समझिए। लेकिन क्या यह टेक्नोलॉजी, क्या इस टेक्नोलॉजी का हम किसान को लाभ देने वाले हैं, या किसान ठीक है जो ठीक प्रकार से अपनी शिक्षा व्यवस्था भी पूरी नहीं कर पाया, अपने बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा भी नहीं पाया है, छोटे किसानों को बैंक लोन भी ठीक से नहीं देते हैं, आप अभी देखिए एजुकेशन लोन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, 4-5 लाख रुपए तक पढ़ाई के लिए किसी को भी लोन दिया जा सकता है, कोई बैंक किसी को भी दे सकता है, लेकिन बैंक देता नहीं है, योजनाएं तो अच्छी है, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, डर है कि कहीं पैसा खा के डूब गया तो, बेरोजगारी बहुत है, नौकरी नहीं मिली तो, समझिए इस चीज को। लेकिन सरकार क्या करती, दो, समझिएगा इस चीज को, और गबन करने वाले तो अरबों रुपए गबन करके निकल जाते हैं, देश ही छोड़ देते हैं, आप जानते होंगे, लेकिन वो किसान, उनको किसान ही सबसे बड़ा चोर नजर आता है, गरीब आदमी सबसे बड़ा चोर नजर आता है, समझिए तंत्र में बड़ी दिक्कत है, समझिए। आइए हम बात करते हैं आज डिजिटल इंडिया की, समझते हैं कि डिजिटल इंडिया, भाई पढ़ाई में तो आपको योगदान मिल गया, आप यहां से सुन पा रहे हैं हमें, ठीक है, मौखिक रूप से भी हम आपके साथ जो है आमने सामने भी हम लोग बात करेंगे, क्लास के अलावा भी संभावना है, कोरोना काल के बाद हम लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, चीजों को और अच्छे समझेंगे, लेकिन पढ़ाई तो नहीं रुकी, व्यवस्थाएं तो चालू है। आइए देखते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से किसानों को जोड़ देने पर, किसानों को जोड़ देने पर कौन कौन से लाभ होंगे और इसके समक्ष कौन सी बाधाएं होंगी, ये दोनों बातें हम बात करेंगे, लाभ क्या होने वाला है किसानों को जोड़ने से और बाधाएं क्या आएंगी, इस चीज पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, 21वीं सदी तकनीकी कुशलता की सदी है, ये टेक्नोलॉजी की सदी है, ये बात 20वीं सदी में नहीं थी, ये बात 19वीं सदी में नहीं थी, समझिएगा। 1 GB डाटा के लिए बड़ी बहुत बड़ी मशीन रखना पड़ता था, आज तो एक छोटे से चिप में कई जीबी डाटा आ जाता है, 32 GB डाटा आ जाता है, समझिए टेक्नोलॉजी का युग है, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का युग है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग द्वारा अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में भी इसे जोड़कर किसानों की अनेक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। डिजिटल भारत कार्यक्रम में से कृषि एवं किसानों को जोड़ने से निम्नलिखित लाभ होने वाले हैं, आइए देखते हैं उन लाभों पर बात करेंगे। पहला लाभ है कृषि उत्पादों में विविधता हेतु, ठीक, बहुत आप ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छी बात करेंगे। कृषि उत्पादों में विविधता हेतु भारत में ज्यादातर किसान गेहूं और धान की खेती करते हैं, इस बात को समझिएगा, मुख्य फसल गेहूं और धान की है, ज्यादातर किसान गेहूं और धान जरूर पैदा करते हैं, अन्य फसल भी पैदा करते हैं, लेकिन मुख्य फसल क्या है, गेहूं और धान है। क्यों नहीं कर पाते अन्य फसल, पूरे साल क्यों नहीं करते, 4 महीना में गेहूं हो जाता है, 4 महीने में धान हो जाता है, 120 दिन में हो गया, अरे बाकी तो 360 दिन है, 1/3 डे कहां गया, और कई जगहों पर तो केवल गेहूं की खेती होती है, कई जगहों पर तो केवल धान की खेती होती है, 8 महीने क्या कर रहा है किसान, धरती पड़ी है खाली, अरे उपजाऊ उसमें कैसे उपजाएगा, जानकारी कौन देगा उसको, डिजिटल इंडिया कृषि से जोड़ करके उसको जानकारी देगा, भैया जाग जाओ ये फसल मार्केट में उपलब्ध लेके आओ और चलो इसको इस प्रकार सिलवाते हैं, पैसा नहीं घबराओ मत, इस कार्यक्रम के तहत जो है कंपनियां आपको आगे पैसा देंगी, बैंक आपको पैसा देगा, कौन बताएगा, डिजिटल इंडिया बताएगा, जागरूक करेगा, मौसम घबराओ मत,
मौसम यहां से यहां तक ऐसा रहेगा, यहां से यहां तक ऐसा रहेगा, कौन बताएगा? डिजिटल इंडिया बताएगा। पढ़ते हैं फिर देखते क्या क्या बातें हैं। कृषि उत्पादकता में विविधता हेतु ज्यादातर किसान गेहूं और धान की खेती करते हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में धान और गेहूं की एकल फसल उगाने वाले किसानों को इससे बड़ा नुकसान होता है, केवल एक ही फसल उगती है। ध्यान रखिएगा, आज फसलों में विविधता लाने से खेती में ज्यादा लाभ की संभावना है। विविधता के लिए छोटे किसानों को वित्त और प्रौद्योगिकी तक आसान से पहुंच की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी और पैसा। ठीक है, इस कैसे पहुंच होती है? देखिए, ऐसे में डिजिटल भारत कार्यक्रम से किसान को जोड़ देने पर किसानों को लाभ होने लगेगा, सीधा सीधा लाभ होने लगेगा। आइए देखते हैं। दूसरी बात, मृदा स्वास्थ्य की जानकारी। बेसिकली क्या है ना, किसान को पता नहीं है कि खेत में जिंक की जरूरत थी कि नहीं थी, यूरिया की कितनी जरूरत थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, पोटाश की कितनी जरूरत थी, मिट्टी में कौन कौन से तत्व विद्यमान है। ठीक है, फसल की पैदावार कम लागत में कैसे कर सकते हैं, इसको इसकी जानकारी बहुत अच्छे से नहीं है। ठीक है, हाँ, अनुभव के आधार पर वो कर रहा है, लेकिन और बेहतर मृदा की मगर जांच कर लें, मिट्टी की जांच कर लें। ध्यान रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य की जानकारी, हमारी मिट्टी कितनी उर्वरक है उसके बारे में अगर हम जांच कर लें तो मजा आ जाएगा। डिजिटल नवाचार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य के संदर्भ में ऑनलाइन के द्वारा आम किसानों तक सुलभ होगी, जिससे किसानों को नवीन तकनीकी व क्षेत्र विशेष की मृदा की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग करने और अपनी उपज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हम बताएंगे कि भाई देखो, यह उत्तरी पूर्वी भाग है, यह दोमट क्षेत्र है, यह नदी वाला क्षेत्र है, यहां पर ये चीजें इसमें विद्यमान है, इसमें इस चीज की खेती करो, समझो, इसमें ये चीज डालो, इसमें ये उर्वरक पड़ेगा, इसमें जैविक उर्वरक डालो, इसमें ये उर्वरक डालो, ये कौन बताएगा? मृदा स्वास्थ्य की जानकारी डिजिटल कार्यक्रम से हम देंगे। मौसमी प्रकोप से सुरक्षा, बता रहा था आपको, बता दूंगा अभी, अरे भैया 3 दिन बाद बारिश है, फसल अभी मत कटो, खड़े रहने दो खेत में, प्याज लगी है मत उसकी खुदाई करो, सब भीग जाएगी, एक बार प्याज भीग गई तो बर्बाद हो जाएगा खेत, किसान बर्बाद हो जाएगा पूरी मेहनत, बता दूंगा। 3 दिन तक मूसलाधार बारिश है, उसके बाद मौसम साफ है, 3 दिन के बाद ये कार्यक्रम करवाना, जल्दीबाजी मत करो, रहने दो खेत में, पड़े रहने दो, बच गया किसान, समझ में आ रही बात? आइए देखते हैं कैसे। मौसम प्रकोप से सुरक्षा, मौसम की अनियमितताओं के कारण भी किसानों को जोखिम और नुकसान उठाना पड़ता है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए जिनका मौसम और उत्पादन बदलाव संबंधी शुरुआती चेतावनी तक पहुंच नहीं है, जोखिम बढ़ जाता है। मैंने बताया, जैसे सपोज करिए सरसों कट गई है, लगा दिया हवा पान लगने के लिए, सरसों को ट्रैक्टर से आपने उसको कर दिया है, उसके बीज पड़े हुए हैं और बारिश आ गई, भीग गई पूरी की पूरी सरसों, हो गया कई महीनों का मेहनत बर्बाद, समझिएगा इस चीज को, कौन बताएगा? यहां से मौसम विभाग से हम उसको बताएंगे, डिजिटल इंडिया से उसको बताएंगे कि देखो रुक जाओ, अभी ये बारिश का मौसम है, सारा उठा के रख दो, अंदर रख लो, ठीक है, 4 दिन बाद इस कार्यक्रम को करना, 3 दिन बाद, 2 घंटे के बाद करना, एकदम अपडेट करके रखेंगे उसको, एक एक मैसेज भेज के, ठीक है। और देखो क्या कहा गया, सब पहुंचाएंगे, शुरुआती चेतावनी उसको बताएंगे, डिजिटल भारत में किसानों को जुड़ाओ, उन्हें मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी देगा, जिससे किसान मौसमी खतरों के प्रति सजग होंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। समझ में आ गया, उचित मूल्य की प्राप्ति। आइए इस बात को समझता हूं, उचित मूल्य कैसे मिलेगा? देखो भाई, कोई भी जो फसल पैदा हुई है, बिकना तो बाजार में है, वह दिल्ली के बाजार में बिक रही है, यूपी के बाजार में बिक रही है, राजस्थान के बाजार में बिक रही है, तमिलनाडु के बाजार में बिक रही है, किसी सामान्य लोकल मंडी में बिक रही है। आपको हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हर जगह के रेट को बता देंगे। अब समझिए इस बात को, किसान कई बार मंडी तक नहीं जाता है, वह वहीं पर लोकल व्यक्ति को दे देता है। अब सपोज करो, मान लो गेहूं 20 रुपए किलो है, लेकिन वह 12 रुपए बेच रहा है, तो 8 रुपए का मार्जिन तो बीच में सब जमाखोर खा गए, किसान हो गए बर्बाद, मेहनत उसकी और बिचौलिए क्या किए, बनिए क्या किए, इन्होंने क्या किया, गलत रेट बता करके। अब हम देंगे डिजिटल इंडिया, ए भाई रेट ये है, किसान कहेगा अरे यार 20 रुपए किलो तो है रेट, अब बताओ सरकार रेट 20 रुपए किलो का है, मार्केट में देखो वहां 21, 22, 23, 24 बिक रहा है, तो कहे हाँ यार मुझे भी 20 में दे दे, तू दे दे 20 में, क्योंकि अब उसको भी तो चाहिए। अब समझदार हो गया किसान, जान गया कौन बताया, डिजिटल इंडिया। आइए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। उचित मूल्य की प्राप्ति, भारत में किसी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसानों को उत्पाद की बेहतर कीमत प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। आपने मेहनत किया, आपका पैसा आप तक हम पहुंचाएंगे।
नहीं अड़चन आने देंगे, डिजिटल इंडिया की मदद से ये चीज संभव है। इसके द्वारा डिजिटल भारत कार्यक्रम वरदान साबित हो सकता है यदि संपूर्ण बाजार व्यवस्था को ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय ई मंडी जैसी सुविधाओं से जोड़ दिया जाए। समझिए इस बात को, भारत सरकार द्वारा किसान सुविधा ऐप जो लोग नहीं लोड किए लोड करें, ई नैप पहल आदि के माध्यम से किसानों को डिजिटल भारत कार्यक्रम से जोड़ने तथा उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु इस दिशा में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है जिनका वर्णन हम निम्न प्रकार से करेंगे। आइए देखते हैं कि चुनौतियां क्या है, आइए एक एक चीज समझते हैं। ठीक है भाई, पहला चुनौती मैं आपको बता रहा हूं, किसान की दिक्कत क्या है समझिए, तकनीकी कुशलता की कमी, उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, मोबाइल नहीं चला पाता। छोटा बच्चा 2 साल का है, अगर उसको आप दे दीजिए मोबाइल तो सारे फंक्शन खोल देगा, उसे पता है कौन सा गेम कहां पर है, खोल के चला देगा। 2 साल का बच्चा मोबाइल में ट्रेंड है, लेकिन किसान वो दूर है, उसको हमें जागरूक करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, अभी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस छोटे बच्चों की स्कूली शिक्षा की बात हुई थी, तो कार्यक्रम इस वजह से फेल होता दिखा कि गार्जियन को पता ही नहीं कि फोन चलाना कैसे है, कैसे उस बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को भी ट्रेन नहीं कर पाए थे, बहुत लोगों तक मोबाइल ही नहीं है उनके पास, और बहुत सारी जगहों पर क्षेत्रीय जगहों पर डाटा का प्रॉब्लम है, वहां पर नेट की सुविधा ही नहीं है, टावर आता है और जैसे ही पकड़ेगा टावर चला जाता है और गोल 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 घूमने लगता है, पता नहीं चलता है कि अब आगे का शब्द क्या है, इरिटेट हो जाता है, कहता है छोड़ दे यार किताब से पढ़ लेता हूं मैं। समझिएगा इस चीज को, ये बात बड़ी मजबूत है। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, एक एक करके देखते हैं इस कार्यक्रम की। ठीक है, किसानों में तकनीकी कुशलता की कमी इस कार्यक्रम में प्रमुख बाधा के रूप में सामने आ रही है, अतः किसानों को तकनीकी उन्नयन करके उन्हें हम इस कार्यक्रम से जोड़कर इनके लाभों को हम क्या कर सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इस कार्यक्रम की प्रगति में सरकारी मशीनरी की उदासीनता भी बाधक बन जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सरकारी मशीनरी है वह उदासीनता, मतलब आप इस बात को समझिएगा, गवर्नमेंट जो है इस पे और तरह से जो है ठीक तरह से इस पर काम करे, अच्छे तरह से जो है सारी चीजों का काम करे। स्थानीय स्तर पर जो है वहां पर वैसा ढांचा नहीं है, अपर्याप्त होना इसकी असफलता में रोड़ा लटका रहा है। मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी जो है तार बिछी नहीं है, समझिएगा नेटवर्क का प्रॉब्लम्स है, समझिए इस चीज को, बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों का वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होना भी इस कार्यक्रम में एक सफलता का बाधक है, पैसा ही नहीं है मोबाइल कौन ला के देगा। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, और मोबाइल मिल गई तो उसमें केवल भजन सुनने का काम अगर हो रहा है, उससे आप अगर मान लीजिए चीजों को, सही चीजों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो वो भी समस्या का विषय। तो बहुत चीजें हैं, दिक्कत है यहां पर। किसानों को तकनीकी रूप से कुशल बनाना, टेक्नोलॉजी के साथ उनको जोड़ना, ठीक है, सरकारी मशीनरी का उत्तरदायित्व बनाकर, ठीक है, स्थानीय स्तर पर डेवलप करके सुदृढ़ बनाकर डिजिटल भारत कार्यक्रम में किसानों को जोड़कर उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को रेखांकित किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को समझिए। इसके लिए मैं एक लाइन कर देता हूं, मेरे देश की मिट्टी उगले सोना उगले हीरे मोती, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह लाइन हम यहां पर सत्य करके दिखा सकते हैं डिजिटल इंडिया की मदद से। सही समय, राइट समय पर राइट डिसीजन, राइट वर्क, समझिएगा राइट व्यक्ति, विकास क्यों नहीं होगा, उस व्यक्ति को जहां तक अछूता रह जाता है इस विकास की, 21वीं सदी के विकास की, अगर हम उस व्यक्ति के अंदर विकास कर दिए तब सही मायने में डिजिटल इंडिया हम कर सकते हैं, डिजिटल विकास हम कर सकते हैं। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं, भारत में खाद्यान्न आपूर्ति। ठीक है भाई, जरा इस पॉइंट को आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, भारत में खाद्यान्न आपूर्ति आप देखें, भारत में खाद्यान्न आपूर्ति कृषि पर निर्भर है। भोजन कैसे पहुंचेगा, फसल अच्छी होगी, सही तरह से भंडारण होगा, सही तरीके से हम वहां तक पहुंचाएंगे। इसके माध्यम से ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जैसे अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास भंडारण है ठीक प्रकार से, उपज अच्छी, तभी तो योजनाएं चलेंगी, और अगर मान लीजिए गोदाम में अनाज ही नहीं है, कौन सी योजना चला लोगे तुम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे कर दोगे, काम के बदले अनाज कैसे दोगे, समझो आप कहते हो काम करो तुम्हें भूखे नहीं मरेंगे, अनाज देंगे, कहां से दोगे जब तुम्हारे खाद्यान्न में अनाज ही नहीं है। तो वही बात किया जा रहा है। विभिन्न उद्योग, जैसे देखिए सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पर्सन उद्योग, अरे भाई गन्ना हुआ ही नहीं, छोल तोल में फंसे पड़े हैं और गन्ने का उत्पादन ही नहीं हुआ ठीक से, कहां से,
कहां से कैसे पूर्ति होगी? तो कृषि है तभी तो चीनी खाओगे, मुंह कैसे मीठा करोगे, मिठाई कैसे खाओगे? चीनी की पूर्ति कौन करेगा? किसान पूरा करेगा, वह मेहनत करेगा, तब तुम यहां पर बैठ करके एसी रूम में जो है खाओगे, मीठेपन का स्वाद ले पाओगे। पटसन उद्योग कहां से जूट लाओगे? किसान देगा। सूती कपड़ा कैसे पहनोगे? किसान उपजाएगा तब जाकर के तुम पहनोगे पटसन। आदि कच्चे माल संपूर्ण रूप से किस पे निर्भर हो? कृषि पे निर्भर हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। देश में कुल निर्यात में कृषि उत्पादित वस्तुओं जैसे कॉफी, जूट, चाय आदि लगभग 18% है और आयात में 6% तथा निर्यात में 12% का योगदान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे पास 18% का योगदान है और मैं ये कह रहा हूं कि अगर सही प्रकार से हम लोग द्वितीय हरित क्रांति को और मजबूत करें, किसानों को डिजिटल इंडिया से जोड़ें, सही तरह से उनका लाभ दें, सब तरह से उनका विकास करें, 18 की जगह पर इसका 36% योगदान हम करके दिखा सकते हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं, यह आम धारणा है कि अर्थव्यवस्था, यह आम धारणा है कि अर्थव्यवस्था तकनीकी क्षेत्र में योगदान बढ़ने के कारण, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, आप देखिए यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अब पढ़ते हैं। यह आम धारणा है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ने के साथ ही प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है तथा आज भी समग्र राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 15-18% के लगभग है, जो एक बड़े योगदान का परिचायक है। मैंने कहा ना इसको 18 पहुंचाएंगे 36 पे। देश की लगभग आधी आबादी रोजगार का प्रमुख साधन कृषि इससे संबंधित है, अर्थात यह भारत की बृहद आबादी को रोजगार उपलब्ध करवाता है। बहुत बड़ा, कृषि पर बहुत सारे लोगों का जीवन निर्भर है, कृषि बेरोजगारी भी है लेकिन फिर भी निर्भर है। उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि यद्यपि कृषि के क्षेत्र में योगदान में कमी आई है तथापि आज भी एक बड़ी आबादी भरण पोषण तथा औद्योगिक संस्थाओं को कच्चे माल की आपूर्ति कर रही है, अतः आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का ऋण मानना तर्कसंगत है। बिल्कुल सही है, यह बोन है। और अगर भोजन ही नहीं है, आप सब कुछ कर लीजिए, आपके पास खूब पैसा आ जाए, बट अगर आप शांति पूर्वक बैठ करके दो वक्त की रोटी अगर सही से नहीं खा पा रहे हैं तो इससे बड़ी दुख की कोई भी बात नहीं है। कृषि जो है, कृषि आधारित हमारा देश है, किसानों का हमें सम्मान करना पड़ेगा, उनको हमें बेहतर विकास के मुख्य मार्ग से जोड़ना पड़ेगा और तब हम कह सकते हैं कि हाँ सही मायने में जो है अब विकास जो है वह अपने रास्ते पर चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि यह सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है, जैसा कि लगातार आप लोगों के कमेंट हमको मिल रहे हैं, आपके सुझाव हमें मिल रहे हैं। जो आप कमेंट करते हैं, जो आप सुझाव देते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा का विषय होता है, हम उस दिशा में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं, कोई बात आपके मन में है जो हम अगर पहुंच पाए तो हम एक एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हर चाहे कोई वीडियो हो जरूर देखते हैं समय निकाल करके और उस दिशा में हम काम भी करते हैं। तो अपने अमूल्य कमेंट को हमारे तक अवश्य पहुंचाएं और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।